अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हो गया सब कैनदर ब्लॉग के लिए। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा, वो है कि आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे, एक छोटी सी पिकनिक पे, गोल्फ क्लब जा रहे हैं। तो आज आपको गोल्फ क्लब भी दिखाएंगे, अगर जिसने नहीं देखा तो वीडियो उनके लिए, जिसने देखे वो भी उनके लिए वीडियो है। खैर अच्छा खैर कोई बात नहीं, तो बस अभी निकलते हैं और इस गाड़ी को अब हम करते हैं बस की। आपने रेस्ट बहुत कर ली है, ठीक है, अब आपको भी लेकर जाएंगे गोल्फ क्लब। हाँ जी, तो गाड़ी को हमने कवर से हटा दिए, बस अब हम तैयार होते हैं, गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, पेट्रोल था। गाड़ी वार्म अप हो जाए फिर निकलते हैं। फाइनली हम गोल्फ क्लब पहुंच चुके हैं। इस वक्त आपको जी मज़ेदार गोल्फ क्लब की व्यू दिखा देते हैं। पहले तो मैं ज़रा उठ जाऊँ, गाड़ी को लॉक किया जाए, लॉक हो गया है। ये जी गोल्फ क्लब का नज़ारे आप देख सकते हैं। चले आगे आगे जाते हैं। जी तो इस वक्त हम गोल्फ क्लब आ चुके हैं, आपको मज़े की व्यू दिखाता हूँ जी। व्यू आप देख सकते हैं, मज़े की बात यह है कि आज मौसम बहुत ज़बरदस्त मौसम है। तो जब ज़बरदस्त मौसम हो फिर बंदे का दिल भी करते कि आउटिंग शाउटिंग हो जाए ना। तो अभी बस एक दो और फैमिली के इंतज़ार है, जैसे तो फैमिली के साथ मैं आया हूँ, मैं अकेले नहीं आया हुआ, बस दो और फैमिलीज हैं उनका इंतज़ार है। फिर इसके बाद हम चाय पार्टी पार्टी स्टार्ट करते हैं, फिर ऑर्डर मॉर्डर देते हैं कि जी क्या क्या अवेलेबल है उनके साथ। ये है जी आपका गोल्फ क्लब, उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर मज़ा आ रहा हो। इस वक्त जी हम घर पहुंच गए हैं, वीडियो क्लिप ज़रा छोटी सी बनी है। उसका वजह यूँ है कि हम तो गए थे लेकिन वीकेंड था और इतने लोग थे कि तौबा करेंगे, इतने लोग थे ना। किसी का बर्थडे था, तो किसी का एंगेजमेंट का कोई डिनर मिनर था, तो क्या था कि मैं वीडियो सही से नहीं बना पाया। तो उसके लिए माजरत, नेक्स्ट वीडियो मैं प्रॉपर बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन मैंने फिर भी ज़रा छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन सही से नहीं बना। इतने लोग आए हुए थे ना कि मुझसे वीडियो नहीं बना पा रहा था। आपने कहा क्यों? अब आप कहेंगे कि यार हमने क्यों नहीं इस तरह किया, जाहिर सी बात है सारे फैमिली आए हुए थे और अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो फिर लोग बाजू का देख के माइंड कर लेते हैं, फिर ना आपको पता है ना ड्रामा बन जाता है, तैयार खूबसूरत ड्रामा बन जाते हैं। तो सही से नहीं बना पाया, तो उसके लिए ज़रा माजरत। तो ज़रा रश भी बहुत थी, तो हमने बस फिर जल्दी से चाय शाय पी और बस फौरन घर आ गए थे। सभी इस वक्त घर ही आए हों, तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि सामने इतना छम छम क्यों कर रहा है। इसका छम छम का वजह बताऊँ ना, तो ये देखें मैं अपनी सिस्टर के उसमें मेकअप रूम में आया हूँ, ये इनका जी सेटअप है। तो मैंने सोचा यार इधर बंदा वीडियो बनाए कि ज़रा हम भी छम छम करें ना, वरना अगर आप इसका मैं इसका लाइट भी अगर मैं ऑफ करूँ ना तो काला शाह नजर आऊंगा। तो वीडियो ज़रा छोटी बनी है, तो आज के लिए इतना ही, और कोई मेरे पास अपडेट नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फिर आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा है। बस वीडियो को करते हैं जी दी एंड। फिर भी वंस अगेन आई एम सॉरी, क्लिप ज़रा छोटी सी बनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप होगा तो अच्छा होगा, आप लोगों को मज़ा भी आएगा, आप इन्जॉय भी करेंगे, आप लोगों को अच्छे इंटरटेनमेंट दूंगा। फिर मिलते हैं और अपना
खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। और जी प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, बहुत दिल से कह रहा हूँ जी, अभी भी मैं स्टिल दिल से कह रहा हूँ और हर वीडियो में मैं कह रहा होता हूँ कि मैं बड़ा दिल से कह रहा हूँ, तो आज भी मैं दिल से ही कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इतना ही, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।